वो ग्रैंड पोस्ट ऑफिस के हैं उस ज़माने से हैं। तो मुझे इस बात की मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ख़तों के राबत में, ख़त लिखने में, लेटर्स में एक बहुत ही प्रेम का भाव है, एक रोमांस है, एक मोहब्बत है। और जैसा आशीष जी ने कहा कि आज के ज़माने में इंटरनेट, ये सब की वजह से थोड़ी सी हमारी जो पोस्टल सर्विसेज हैं वो पिछड़ गई हैं। एंड टू मैरी द टू कि एक इतनी बड़ी आइकॉनिक बिल्डिंग जो बांद्रा स्टेशन की है 1888 में बनी, और उसकी फोटोग्राफ या उसकी इम्पोर्टेंस को हमारे पोस्ट मास्टर साहब ने अपने एनवेलप्स के ऊपर चिपकाया है। आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारे देश में जो आर्काइवल कॉन्सेप्ट है, हमारी जो चीज़ें हैं, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी जो हर किस्म प्रकार की बिल्डिंग्स इतने सालों से बनी हैं, सड़कें बनी हैं, गलियाँ हैं, गाँव हैं, आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको इसके बारे में थोड़ा इल्म होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा एजुकेट होना चाहिए, थोड़ी मालूमात होना ज़रूरी है। सो आई थिंक ये बहुत ही खूबसूरत बिगनिंग है एंड ये जो बिगनिंग है हर जगह फैलती रहेगी। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि जितना हो सके पोस्टल सर्विस को इस्तेमाल करें। मैं आशीष सर दरख्वास्त करूँगा, उल्टा ट्रेन तो हम हर रोज़ ही यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो जो ट्रेन पर चले एक एक खत जो है पोस्टल सर्विस से भेज दें, तो बिजनेस का बिजनेस हो जाएगा, धंधे का धंधा चलेगा। बट मैं जेन्युइनली मेरे विचार को इतने, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि हमारी जो पोस्टल सर्विस है अगर somehow there is a digitized setup which the government does where everybody has free access, हर किसी के पास फ्रीडम है टेलीफोन से अपना खत सिक्योरली भेजने के लिए थ्रू सम इंटरनेट सर्विस और प्राइवेट ईमेल दैट द पोस्ट ऑफिस टेक्स आउट, आई थिंक इस रोमांस का भी और इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन का जो हमारे देश में इतने सालों से है ग्रैंड पोस्ट ऑफिस, उसका जो है एक रिवाइवल होगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी भीड़ के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर आप लोगों ने जितने भी आमंत्रित गेस्ट हैं उनका मेरा इंतज़ार किया, स्वागत किया। और मैं सिर्फ आप सबके लिए दुआ कर सकता हूँ क्योंकि एक छोटी सी बात यह है कि आज जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे घर वाले जो खुश हैं, मेरे बच्चे जो आबाद हैं और पढ़ाई करते हैं, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता अगर आप लोग नहीं होते। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस टाइम, थैंक यू गुप्ता साहब, शैला साहब, अग्रवाल साहब एंड ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड आफ्टरनून, खुदा हाफिज़। इस रिलीज का और एक प्रसंग बाकी है, ये जो ब्लो अप है पोस्टल कवर का, उसे खोलने के लिए सभी अतिथि वहां पर पधारे रहे हैं, कृपया सभी बैठ जाइए, नहीं तो वीडियो वालों को तकलीफ होगी। सभी अतिथि का जो आज यहां पर पधार रहे हैं, माननीय शाहरुख़ खान जी,
चल थोड़े चल अरे पीछे देखो प्लीज 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 एक्सक्यूज मी सर 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 साइड हो जाइए प्लीज।